नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एग्जिट पोल की चर्चा पर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। एग्जिट पोल पर चर्चा में नहीं होगी कांग्रेस शामिल, किसी भी टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेगी कांग्रेस। कल आखिरी दौर के मतदान के बाद आएगा एग्जिट पोल और इसी को लेकर के बड़ा फैसला कांग्रेस की ओर से लिया गया है कि किसी भी तरह की डिबेट्स में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। तो एग्जिट पोल कल शाम को आएंगे और उससे पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है एग्जिट पोल को लेकर के। कहा है कि चर्चा में शामिल नहीं होंगे, किसी भी टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेगी कांग्रेस। ये बड़ा बयान सामने आया है। कल आखिरी दौर के मतदान के बाद एग्जिट पोल आएगा और उससे पहले ये बड़ा फैसला, बड़ा बयान कांग्रेस की ओर से कि किसी भी तरह की डिबेट में किसी भी चैनल पर हिस्सा कांग्रेस नहीं लेगी, कोई भी डिबेट में शामिल नहीं होगा। तो वहीं एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस के चर्चा में शामिल नहीं होने पर तंज कसा बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चमनानी का एक्स पर पोस्ट भी आया है। अमेठी से भागे राहुल, दुर्ग से भागे भूपेश, अब एग्जिट पोल से भागे कांग्रेस प्रवक्ता। ये बीजेपी की ओर से बड़ा बयान, भागो मत दोस्तों, सामना करो, ये भी बीजेपी कह रही है। 1 जून को भागोगे फिर 4 को कहां जाओगे, नतीजा वही है फिर एक बार मोदी सरकार। ये बीजेपी की तरफ से बयान आया है और पलटवार भी कांग्रेस पर किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बड़ा फैसला कांग्रेस की ओर से लिया गया है कि कल एग्जिट पोल आने के बाद कोई भी जो नेता है कांग्रेस की तरफ से डिबेट्स में शामिल नहीं होगा। तो वहीं बीजेपी भी तंज कस रही है कि भागो मत, भागने से कुछ नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने जो सभी राज्यों में निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी चैनल या कोई भी मीडिया में डिबेट में वो शामिल नहीं होंगे, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी जो संचार प्रमुख है उन्होंने कहा कि कोई भी प्रवक्ता जो है वो डिबेट में शामिल नहीं होगा। ऐसे में भाजपा भी तंज कसती नजर आ रही है। भाजपा ने साफ कह दिया है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस का जो झूठ वो चुनाव के दौरान फैलाती रही वो झूठ अब सबके सामने है। वो परिणाम से डर कर भाग रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि 4 जून को परिणाम क्या आने वाला है। जनता ने भाजपा के फेवर में जो है वो मतदान किया था, उसका परिणाम है कि एक बार फिर से सरकार बन रही है। और लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया कांग्रेस ने, कहीं ना कहीं वो झूठ से भी बचने का एक प्रयास करती नजर आ रही है कि जनता को जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। इस तरीके से भाजपा के नेता लगातार कांग्रेस पर अब तंज कसते नजर आ रहे हैं। जी, वाकई तंज तो कसी रहे हैं। देखिए, आपकी किसी भी कांग्रेस नेता से बातचीत हो पाई क्या? आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया उन लोगों ने कि आखिर किसी भी तरह की डिबेट में शामिल नहीं होना है? क्यों आखिर किसी चीज का जवाब देने को तैयार नहीं है वो? देखिए, छत्तीसगढ़ में पूरा शेड्यूल तैयार था कांग्रेस प्रवक्ताओं का, कौन कहाँ मीडिया में जाएगा और किस तरीके से वो वक्तव्य देंगे, लेकिन जो आलाकमान से एडवाइजरी आई है उनको, कांग्रेस नेताओं को, इसके बाद कांग्रेस के नेता भी कुछ कहने से बच रहे हैं। वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि निर्देश हुआ है पार्टी से, उसका पालन करना पड़ेगा। ऐसे में वो कुछ कहने से भी अब बच रहे हैं। जी हाँ, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के मंत्री मैनेजमेंट सीख रहे हैं। रायपुर IIM में 2 दिन का चिंतन शिविर चल रहा है। सीएम साय सहित मंत्रिमंडल के सदस्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रथम सत्र में नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने संबोधन दिया। सुब्रमण्यम ने विकसित भारत की संकल्पना और इसे प्राप्त करने की रणनीति के संबंध में विस्तार से बातें रखी। उन्होंने कहा कि 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047 बनाने का संकल्प लिया है और इसे पूरा करने की रणनीति बनाई गई है। तो वहीं साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में विकसित राज्य बनने के लिए और तीव्र विकास के लिए असीम संभावनाएं हैं और इस दिशा में आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ अपने विकास के साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच 2047 तक विकसित भारत बनाने का है, तो उसमें छत्तीसगढ़ का भी सहयोग रहने वाला है। हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित करने के लिए और विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने के लिए ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर एक मील का पत्थर साबित होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, मंत्री नेता सभी पाठशाला ले रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण, कितनी खास है ये? जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ाना है, देश को विकास की दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस पर चिंतन शिविर है। ये इस तरीके से पहला आयोजन है जो IIM रायपुर में आयोजित किया गया है। आज से ये शुरू है। आज दिन भर जो है मंत्रियों को जो है एक्सपर्ट ने जो किस तरीके से नीति बनाया जाए उस पर बात रखी। इसके साथ ही कई प्रेजेंटेशन दिए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का जो एक परिकल्पना की है उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान क्या होने वाला है, इसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बेहतर किया जाए, उद्योगों को किस तरीके से बेहतर किया जाए, इसके साथ ही जो लोगों की आय को किस तरीके से और बेहतर किया जाए, किसानों की किस तरीके से उन्नति किया जाए, सभी मुद्दों पर जो है वो चर्चा हुई है। इसके साथ ही मंथन हुई कि योजनाओं को किस तरीके से जमीनी स्तर पर उतारा जाए ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को भी विकसित बनाया जा सके और विकसित भारत की परिकल्पना को जो है वो पूरा किया जा सके। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। 5 महीने में बीजेपी के सुशासन की पोल खुल गई। बीजेपी के चिंतन शिविर पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, ये कितनी भी ट्रेनिंग ले लें काम तो कमीशन खोरी का ही करेंगे। गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग की आवश्यकता तो इनको है ही, लेकिन ये जनता से अगर मुलाकात नहीं करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तो कितने भी ट्रेनिंग कर ले, कितने भी इनको प्रशिक्षण दिया जाए, इनको काम तो वही करना है, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करना। और आज स्पष्ट हो गया है कि 15 साल भाजपा के जो सरकार था, जिस प्रकार से अराजकता का माहौल था 5 महीने में दिख रहा है, और कांग्रेस शासनकाल के दौरान जो गुड गवर्नेंस था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। 4 जून को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग होगी, जिसको लेकर दोनों ही दल तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी के रायपुर में आज बड़ी बैठक हुई जिसमें मतगणना को लेकर मंथन हुआ। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिहदेव सहित बीजेपी उम्मीदवारों, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। किरण सिहदेव ने बताया कि मतगणना के दिन के लिए तैयारियों पर चर्चा हुई है, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं, सभी जिला और लोकसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी पर मंथन हुआ है। तो वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष शिव रतन शर्मा ने कहा कि मतगणना के दिन की बातों का ध्यान रखना है, इसकी गाइडलाइन तय की गई है, प्रत्येक जिले में प्रभारी घोषित किए गए हैं जो मतगणना के दौरान संपर्क में रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में प्रदेश स्तरीय मॉनिटरिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। कार्य योजना बनाकर और सभी की जिम्मेदारी उसमें सुनिश्चित है और कुछ विषय और दिशा निर्देश हमारे जो कार्य योजना में सम्मिलित है, आदरणीय शिवरतन शर्मा जी जो कि इस पूरे प्रबंध समिति के संयोजक भी हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव के, और उनसे भी विचार विमर्श करके कहाँ किस तरह की कमी है, कहाँ पे किसको ठीक करना है, और सजगता के साथ मतदान केंद्र पर और बूथ टेबल पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे एजेंट हैं और समुचित रूप से चुनाव के परिणाम की घोषणा आने तक हम सब सजगता के साथ अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, इस दृष्टि से विषयवार बिंदुवार सभी से बातचीत हुई कि मतगणना की तैयारियों के संबंध में चर्चा हो। अपने यहाँ 11 लोकसभा है और 11 लोकसभा में एक भी लोकसभा ऐसी नहीं है जो एक जिले में पूरी तरह से, बस्तर लोकसभा की गिनती 6 जिलों में, कुछ लोकसभा की गिनती 3 जिलों में होगी, कुछ की 2 में होगी, कुछ की 4 में भी। तो चुनाव की मतगणना की दृष्टि से हमको किन बातों को ध्यान में रखना है, इस विषय में हमने एक
गाइडलाइन तय की है और उसकी जानकारी कार्यकर्ताओं को दी है। मतगणना के दिन हमारा कंट्रोल रूम प्रदेश कार्यालय में रहेगा, अगर कहीं कोई परेशानी होगी तो कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं और कंट्रोल रूम निर्वाचन आयोग के संपर्क में रहेगा। बीजेपी उम्मीदवार संतोष पांडे ने कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने 10 जनपद को पैसे भेजे, राजनांदगांव से उन्हें 10 जनपद को पालने वाला उम्मीदवार बताया। बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने उनको जवाब दे दिया, बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आएगा। साथ ही पांडे ने लोकसभा की 11 की 11 सीटों पर जीत का दावा किया है। सांसद संतोष पांडे उनसे चर्चा करेंगे। आपके क्षेत्र पर नज़र पूरे देश की टिकी हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ से चुनाव लड़े, आप मैदान में थे, क्या लग रहा है परिणाम आने वाले? आपने ठीक कहा, स्वाभाविक है जब पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ का ऐसा मुख्यमंत्री जो पूरे 10 जनपद को पालता था और जिसको ATM कहते थे, राजनांदगांव से जब जा करके चुनाव लड़े तो नांदगांव की जनता भी उत्साहित थी कि पूरी भरपाई करेंगे। तो स्वाभाविक है कि जनता में और पूरे देश में राजनांदगांव की ओर निगाह होना। 11 सीटों का लक्ष्य जो रखे थे, क्या लग रहा है, क्लीन स्वीप इस बार? 11 में 11 सीट भाजपा जीतेगी। सरगुजा से लेकर के बस्तर तक कोई भी सीट ऐसी नहीं है जो मैं ये कहूँगा कि सभी में हम सबल हैं। जीत की तैयारियों को लेकर कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, जीत की तैयारी को लेकर के हम सभी उत्साहित हैं। हमारा काउंटिंग हॉल से लेकर के और बाहर भी सब प्रकार की जश्न की तैयारी है। जी बिल्कुल, ये थे सांसद संतोष पांडे जिन्होंने कहा कि जीत की तैयारियों को लेकर जो तैयारियां चल रही है, इसके साथ ही बैठक को लेकर उन्होंने कहा काउंटिंग की तैयारी पर आज समीक्षा बैठक है, उस पर फोकस किया गया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, News 18 रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पोस्टर वार जारी है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर भूपेश बघेल को खाई में गिरते हुए दिखाया। पोस्टर में लिखा है कि अमित स्याही से होगा अब की बार 400 पार, इंडिया गठबंधन का घमन टूटेगा फिर एक बार। आपको बता दें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधती आ रही है।